हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको स्काउट से तो मिलवा ही दिया था, जिन लोगों ने भी स्काउट का व्लॉग मिस कर दिया है मैंने उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो जल्दी जल्दी से स्काउट का वीडियो देख लेना। और अब बारी है कैरी मिनाटी की। जो भी कैरी मिनाटी के फैंस हैं, जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा है कैरी मिनाटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। आप फ्रेंड हो उसका? हाँ। विद विद फ्रेंड्स विद व्हाट? नो, जस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, यस। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो मुझे आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछना था। ओके, पूछिए। आपने लाइक रोस्टिंग की कैटेगरी क्यों सिलेक्ट किया? मेरे को नहीं लगता मैंने रोस्टिंग कैटेगरी सिलेक्ट की है, उसने मुझे सिलेक्ट किया। अच्छा। मेरा तो इनिशियल जो इंटरेस्ट था वो तो गेमिंग में था। अच्छा। बट फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि लोग इतना गेमिंग को एज सच फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो एक मेरे को चीज मिली, बकचोदी। मैंने कहा बकचोदी सबको पसंद है। तो हाँ। बकचोदी के थ्रू आप देखोगे स्टार्टिंग के वीडियो जो मेरे थे, तो दैट वॉज मोर ऐसे क्या कहते हैं गेम प्ले वाले। हाँ। वो इसलिए थे, मैंने कहा यार उस बहाने लोग गेम से फेमिलियर हो जाएंगे। हाँ। और क्या कहते हैं साथ में उनको मजा भी आ जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद मैंने अपना जो सेकंड चैनल है कैरीज लाइफ है, मैंने वो खोला ताकि वो डेडिकेटेड गेमिंग के लिए। हाँ। तो मेरा तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि वो जो भी हुआ ना बहुत एक्सीडेंटली हो गया। अच्छा। बस मैं कुछ ना कुछ अलग अलग कर रहा था और फिर वो एक चीज मिल गई। अच्छा, एंड द सेकेंड इज लाइक अगर आपके पेरेंट्स ने देखा था वो वीडियो, रोस्टिंग वीडियो देखा रहेगा, तो उसमें आपने गालियां दी है, तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, मेरे मम्मी पापा तो देखो वैसे तो वो बोलते हैं कि ऐसे, अब एक डिफरेंस आ जाता है ना कि बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो मैं करता हूँ वो तो कैरेक्टर है मेरा, मैं ऐसे असली में तो जाके किसी के सामने ऐसे गाली नहीं दे रहा या ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ जी, वो तो सिर्फ उसके लिए। अब वो कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को सही नहीं लगता। अरे बिग फैन, बिग फैन। एक फोटो सर, बिग फैन सर। आप पहले स्प्लिट मार के दिखाओ आपको। हाँ, तो वो उसी चीज के लिए क्या कहते हैं, वैसे पापा मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे तो बल्कि पहली जो वीडियो मैं सबसे पहले उन्हें भेजता हूँ। अच्छा। आप बताओ कैसी है, फिर अप्रूव होती है फिर मैं डालता हूँ। लाइक कंटेंट के लिए आप बना रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पॉइंट देखो किसी को वो नहीं है कि किसी को बुरा लगे, ऐसा कुछ लगे, सब बहुत जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, हमें मजा आता है, लोगों को मजा आता है और वही है। हम तो यार हम तो नौकर है भाई जनता के, जो जिसमें उनको मजा आ जाए हम तो उसके साथ हैं। ओके, मुझे आपके वीडियो ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप जो रोस्टिंग करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैन यू रोस्ट लाइक अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो उनको एज अ फनी वे में? मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत खाता है। जब कोरोना था उसको मैंने बोला था बाहर मत खाइए, उसने तब भी खाया, ठीक है। मेरे घर में कोरोना हो गया, उसके घर में नहीं हुआ। वो ऐसा दोस्त था, इतना है कि वो ऐसे, वो जब प्यार करता है अपने दोस्तों से या फिर किसी से भी, उसके पास एक बिल्ली थी, वो अपनी छाती पे लेके सोता था, ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ, बिल्ली मर गई। क्यों? अरे कोई छाती पे लेगा सोता है तो ऐसी थोड़ी ना एक स्पॉट पे सोता है। हाँ। भाई ने ली करवटे ये वो इस साइड उस साइड, मार दी बिल्ली। थैंक यू सो मच। सो या दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।